जोगिंद्रनगर तहसील की भराडू पंचायत के गढ़ी गांव की ज्योति प्रकरण की जांच करवाने के बारे में आज एसडीएम जोगिंद्रनगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में यह मांग रखी गई कि एक साल बाद भी पुलिस व राज्य सीआईटी इस केस की सच्चाई सामने नहीं ला पाई है। ज्योति के गायब होने के एक दिन बाद ज्योति के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना में कहा गया था कि 8 अगस्त 2021 को पति के साथ हुई कहासुनी के बाद देर शाम को ज्योति घर से अचानक कहीं चली गई है। ज्योति के मायके पक्ष ने भी उसे ढूंढने का प्रयास किया तथा उन्होंने उसकी हत्या की आशंका भी जाहिर की थी। जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में जब ज्योति का कुछ पता नहीं चला तो पिछले वर्ष 26 अगस्त को जनता ने एक बड़ा प्रदर्शन जोगिंद्रनगर में किया था तथा इस केस की सच्चाई सामने लाने व दोषियों को पकड़ने की मांग पर एसडीएम जोगिंद्रनगर के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की थी कि इस प्रकरण की हर पहलू से जाँच होनी चाहिए। न्याय में हो रही देरी से आम जनता में भी भारी आक्रोश है क्योंकि प्रदेश पुलिस व सीआईडी इस केस के दोषियों को पकड़ने में असफल रही है। कुशाल भारद्वाज का कहना है कि यह एक बड़ा सवाल है कि बरसात के महीने में तथा रात के अंधेरे में क्या एक युवा महिला घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर चढ़ाई चढ़कर घने जंगल में फंदा लगाने के लिए अकेली जा सकती है। फंदा लगाने के लिए घनघोर अंधेरे में कोई इतने दूर क्यों जाएगा। ज्योति के माता पिता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाए ताकि ज्योति केस की सच्चाई सामने आ सके तथा असली दोषियों को कानूनन सजा दिलवाई जा सके। को मारे हुए आज एक वर्ष पूरा हो गया। आज ही का वो दिन था। इस वक्त मुझे उसके कारणों का पता चला। मैं एक माँ हूँ। मेरे मन की तो किसी ने नहीं पहचाना। जो कि मैंने दामाद बनाया था, जो कि मेरे नाते मित्र थे, उन्होंने सभी ने मिलजुल कर मेरी बेटी को मारा और कहा कि वो घर से चले गई है। बोला आ जाएगी। मेरी बेटी ज्योति को आज एक वर्ष पूरा हो गया। मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तू हमेशा अमर रहना। जिसने मेरी गोद को छीना, मेरे एक अंग को छीन डाला, वैसा परमात्मा तू भी इनके अंगों को ऐसे ही छीन लेना। आने वाले एक वर्ष जिस वक्त आने वाला दूसरा वर्ष पूरा होगा उस वक्त उनके भी अंग छीने जाने चाहिए कि मैं आज किस हालात में यहाँ खड़ी हूँ। आने वाली 11 तारीख को मेरे बच्चे के हाथ में कौन राखी बांधेगा। मुझे उस दिन का बहुत दुख है। और बीते 31 जुलाई को मेरे पति का बर्थडे हुआ तो मेरी बेटी बधाई देती थी, तो आज मैं ऐसी सोच में रह गई कि मेरे पति को कौन बधाई देगी कि पापा जी आपको मुबारक हो। चलो अच्छा हुआ जिसने कुछ ऐसा ही रास्ता ढूंढा हो मेरे लिए। शायद सबसे बड़ा जिंदगी का एक कड़ा वो संघर्ष है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी इस तरफ मोड़ दिया जिसके कारण हमें अंधेरे में रखा गया। हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे। एक महीने से ज्योति का शव जंगल में सड़क रहा था तो उसका केस क्या बनाया इन्होंने कि बोला आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या की होती तो उसके जेवर वगैरह वहीं पड़े रहने थे। और क्या उसने मरने के लिए 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जाना था। ये भी एक सोचने की बात है। सरकार सोई हुई है। सरकार को ये नहीं लगा कि वो भी किसी माँ का बच्चा है, हम भी किसी माँ के बच्चे हैं। चलो सरकार अगर कामयाब होती तो आज ये दिन देखना न पड़ते और ये बातें सुनने न पड़ती। क्योंकि मैं हर सब के दरवाजे में गई, मुझे किसी से भी कोई वो न मिला। आज एक वर्ष पूरा हुआ, मुझे फिर से अपने भाइयों बहनों जैसे कि मेरे लोगों ने किसी ने भी अपनी पार्टी नहीं देखी, कोई वो नहीं देखा। हर सभी दलों के लोगों ने जो मेरा साथ दिया और साथ दे रहे हैं और आगे इंसाफ की लड़ाई की मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या वो क्या कुछ नसीब समझा उन्होंने अपने आप को, जैसे पुलिस हो या पुलिस के कर्मचारियों, उनके बड़े रिश्तेदारों जिन्होंने इस केस को अंजाम दिया। मैं उनको बधाई देती हूँ। अगर वो बड़े लोग थे तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया। इस बात के बड़े थे दिमाग में था उनके अंदर, इनकी माँ ने उनको क्या खिलाया था जिन्होंने की मेरी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंद्रनगर से सुभाष एरी की रिपोर्ट।